जय श्री राम। कैसे हो बच्चों पार्टी? बेटा मैं झासर आपका ई पैडागॉग मैथ में स्वागत करता हूँ। बेटा अभी जो हमारा सेशन जो चल रहा है वो नंबर सिस्टम के ऊपर चल रहा है। नंबर सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट है वो हम समझ चुके हैं। अब उस कॉन्सेप्ट के बेस पर जो एक्सरसाइज डिपेंडेंट है वो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 ये हमने कर लिया है। अब हमारा नंबर है एक्सरसाइज 1.3। चीज़ों को हमने समझा है लेकिन फिर भी हमारे क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट है उसको थोड़ा हम ज़्यादा क्लियर समझ लेते हैं ताकि जब हम क्वेश्चन के आंसर करें तो हमें वहाँ पर दिक्कत नहीं आए। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन डेसिमल फॉर्म, ओके, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ओके बेटा, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन? तो सबसे पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन समझते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन जैसा कि नेम है, डेसिमल नंबर जो डेसिमल फॉर्म में हो और एक्सपेंडेड फॉर्म में हो, जो डेसिमल फॉर्म में हो और आपके एक्सपेंडेड फॉर्म में हो। लेकिन यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन जो है किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो वो है हमारा रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। तो इसको इसके लिए जो हमारे पास है वो थ्री टर्म्स है। इसके लिए हमारे पास जो है वो आपके थ्री टर्म्स है। देखिए जैसे फर्स्ट टर्म कौन सा है हमारा? फर्स्ट है हमारा टर्मिनेटिंग। ओके, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? टर्मिनेटिंग, डन। सेकेंड वन क्या है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या है हमारा ये? रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और थर्ड जो है ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड प्लस नॉन रिपीटिंग। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये इन तीनों कॉन्सेप्ट के बेस पर ही हम इसको बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले ये वर्ड जो है ये वर्ड कहाँ पे जा रहे हैं हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो हमारा टारगेट है हमारा वे भी वही होना चाहिए जो हमें अपने टारगेट के पास ले जाए। ऐसा तो नहीं कि हमें जाना कहीं और है और हमने वे कोई और चूज कर लिया है। तो क्या हम दिए गए टाइम पे अपने टारगेट पे पहुंच पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। इसलिए पहले हम जो रास्ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का उस चीज़ को हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा टर्मिनेटिंग ये वर्ड है हमारा टर्मिनेटिंग। देखिए टर्मिनेटिंग में क्या हो जाता है? टर्मिनेटिंग के अंदर हम वैसे नंबरों को जानते हैं जो पॉइंट के बाद, जिसका पॉइंट के बाद एक एंड हो जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लिया था हमने 5/2, तो आप अगर इसे डिवाइड करते हो, आप इसे डिवाइड करते हो 5/2 को, तो आप देखो 2 2 जा 4 हुआ और ये हमारा 1 आ गया, तो ये 2.5 हो गया। ऐसे कोई भी नंबर जो डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद उनका एंड आ जाए ऐसे नंबरों को हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। अब टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, इसका मतलब हो जाता है बेटा शांत होता है। शांत जो वर्ड है इससे ही ये हमारा क्लियर है कि ये वर्ड कहीं ना कहीं जाके रुकते हैं। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, ऐसे नंबर इसके अंदर आ जाएंगे जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, जैसा नाम वैसा काम, जो नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड के अकॉर्डिंग रुकता तो नहीं है लेकिन क्या करता है ये हमारा रिपीट होता है। जैसे एग्जांपल हमने लिया था 10/3 का, तो ये 3.3333 ऐसे नंबर। और भी आप एग्जांपल अपनी तरफ से ले सकते हो, मान लो ये लिया हमने 587 587 587, तो ये भी रिपीट हो रहा है हमारा। ओके, तो ऐसे नंबर किस में आ जाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में। और जो थर्ड वन है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, आप देख सकते हो ये जो नंबर है ना तो हमारा कहीं पर एंड है इसका और ना ही ऐसी चीज़ है जो आपका
ये रिपीट होता है, मतलब इनके जो नंबर होते हैं अगर हम डिवाइड करते हैं या एग्जांपल में डायरेक्ट गिवन है तो वो चेंज करते हुए आने चाहिए। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें 78.5765431 और इस तरीके के नंबर देखिए ये चेंज होके आ रहे हैं, ऐसे इन्फिनाइट नंबर हो सकते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन है इनको हमें डिवाइड करना है, एक बेसिक सा डिवाइड करना है, बहुत इसमें कोई हमारा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, सिंपल हमें डिवाइड करना है और इन तीनों में से कौन से जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में हम इसको पुट करेंगे। देखिए अब यहाँ देख लो आप, जैसे तो अगर एक, हाँ ये देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसको सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आसान सी चीज़ें हैं। देखिए जैसे फर्स्ट नंबर हम लेते हैं, फर्स्ट नंबर हमने लिया ये है हमारा 36/100, तो हमें डिवाइड तो आता है ना, हम डिवाइड छोटे क्लासेस से सीख रहे हैं। देखिए ये 100 से किसको किससे डिवाइड करते हैं, तो हमेशा न्यूमरेटर्स को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर्स को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, मतलब 100 से 36 को डिवाइड करेंगे। ओके, प्रोसेस क्या है हमारा कि हम अगर यहाँ पॉइंट देते हैं तो इसके लिए क्या आ जाता है हमारा, ये ज़ीरो आ जाता है। अब हम कितने टाइम्स में इसको लगाएंगे, तो हम इसको 3 times में लगाएंगे, क्या आ गया ये हमारा 300 आ गया। ओके, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 0 और ये कैंसिल हो गया। इस तरीके से जो अगर हम आगे चलते हैं और 0 लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस बार कितनी बार में जाएगा, तो 6th time में, तो ये क्या हो गया हमारा 600 हो गया। डन, क्लियर हो गया। इस तरीके से जो नंबर आए हमारे पास क्या आए हैं, वो 0.36 आया है। तो आप अगर इस नंबर को जो भी हमने डिवाइड करने के बाद लाया है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप इसको कौन सी कैटेगरी में रखना चाहते हो, तो आप इसको क्या देख रहे हो, इसकी सिचुएशन क्या है कि एक कुछ खास ऐसे डिजिट हैं जिनके बाद ये आगे नहीं जा रहा है, अपने आप को शांत कर ले रहा है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग कैटेगरी में आएगा। किस में आएगा बेटा, टर्मिनेटिंग। डन, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा वो क्या है, 1/11। तो जिस तरीके से हमने फर्स्ट वाले में न्यूमरेटर्स को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया था, तो वैसा ही हमें यहाँ पर भी करना है। तो अगर हम ये डिवाइड करने जा रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा जो इस पोजीशन का जो नंबर है वो हमेशा जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे बड़ा होना चाहिए। तो अभी तो ऐसा है नहीं, तो उसको हम बड़ा बनाने के लिए क्या क्या करते हैं बेटा, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाते हैं, लगा दिया। ओके, अब क्या करेंगे, तो पॉइंट के लिए हमें यहाँ पे 0 लगाना होता है। तो अभी भी ये नंबर है हमारा ऐसा कि जो 11 से छोटा है, तो ऐसे नंबर को और थोड़ा हमें बड़ा करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब क्या चलता है, इसके पोजीशन पर 0 लगाएंगे और उस 0 के लिए यहाँ फिर से हम 0 लगाते हैं। ओके, अब तो ये 100 जो है ना 11 से बड़ा हो गया ना, तो अभी से हम कितने टाइम में इसके नज़दीक डिवाइड का क्या प्रोसेस होता है, या तो पूरी तरीके से इसको कट कर दे या फिर इसके जो सबसे नियरेस्ट नंबर है वहां तक हम पहुंचे। तो 11 9 99 जो है इसके नियरेस्ट नंबर है। ओके, अब ये हमारा यहाँ क्या आ गया, ये आ गया 10 से, जैसे ये 0 से 9 जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो क्या करेंगे हम यहाँ से 1 कैरी करेंगे, तो 10 से 9 गया तो ये 1 हो गया। ओके, 9 से 9 गया ये 0 हो गया। डन, तो इस तरीके से अब हम फिर से जब हम आगे प्रोसेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे 0 लगाते हैं। डन, और उसके लिए क्या आ गया हमारा, ये फिर से ऐसी प्रोसेस चलेगा। डन, तो ये हो गया। अब हम इसके आगे जो नेक्स्ट लगाते हैं वो क्या करेंगे, तो फिर से 11 9 99 और एंड सो ऑन, इस तरीके से ये नंबर जो है हमारा आगे चलता रहेगा। तो ये आप देख सकते हो कि इसके डिवाइड करने पे नंबर क्या आ रहा है हमारा, 0.09 09 09। तो ये क्या हो गया, 0.09 रिपीटिंग, ये 09 क्या हो रहा है हमारा,
रिपीटिंग हो रहा है। कहने का मतलब ये जो नंबर है, जैसे इस पॉइंट का किसी खास पॉइंट के डिजिट के बाद इसका एंड हो जाता है, तो ये नंबर क्या है हमारा कि ये इसका एंड नहीं हो रहा है, लेकिन चीजें क्या आ रही है, बार बार सेम चीजें आ रही है। तो इसको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, सेकेंड ग्रुप में। सेकेंड ग्रुप क्या था हमारा, वो था नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। सेकेंड ग्रुप क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। तो इसे इससे भी आगे हम एक चीज और इसके लिए नाम दे सकते हैं कि दोनों नंबर का जो कंडीशन है वो कौन से ग्रुप में आ जाता है, आपका कौन से ग्रुप में आ जाता है, ये रैशनल नंबर में आता है। कौन से ग्रुप में आता है, रैशनल नंबर में आता है। तो अब हम इसके नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। सबसे पहले इस नंबर को हम वाइप आउट करते हैं और ये हो गया हमारा, देखिए इसे हमने यहां से हटा दिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड गया हमारा, देखिए 4 whole 1/8 जो फ्रैक्शन होते हैं, ये हमने क्लास जूनियर क्लासेस से देखा है कि फ्रैक्शन के टाइप्स जो होते हैं वो 3 types के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर में क्या होता है, ये जो एग्जांपल है ये आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है 8/3। इसमें क्या होता है, सॉरी ये क्या है हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर्स जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। और एक होता है हमारा, जैसे ये हम अगर करें 3/8, इसको वापस ऐसे चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, तो जो प्रो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसी को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो इम्प्रॉपर भी हम, ये मिक्स भी हमारा जा सकता है इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो पहले क्या होगा, क्योंकि हमने जो डिवाइड करना देखा है वो तो ऐसे ही देखा है ना, तो पहले क्या होगा कि मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। अब यहां से देखिए कैसे इसको बदलते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है हमारा कि जब भी हमें मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करना है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं और देन ये जो न्यूमरेटर्स होता है उसे हम ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर्स जो है वो अपनी जगह पे बना रहता है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा पहले यहाँ क्या करेंगे, हम बॉर्ड मास को फॉलो करेंगे। जैसा कि हमें पता है चीज़ें, जो बॉर्ड मास होता है ये वेरी वेरी एक इम्पॉर्टेंट वन है, क्योंकि ये बॉर्ड मास ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत जूनियर क्लास से हम सीखते हैं, 6th and 7th से अराउंड हमें बॉर्ड मास सिखाया जाता है और फिर जब तक हम पढ़ते हैं तब तक हमें बॉर्ड मास आना चाहिए। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या हो जाता है कि इनका लेवल जो होता है वो बढ़ता जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम बॉर्ड मास क्या कहते हैं, बॉर्ड मास में BODMAS होता है, तो यहाँ पर तो ऐड और मल्टीप्लाई है, तो पहले तो मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। तो 4 8 जा 32 plus 1/8 और ये क्या हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे तो ये 33/8 हो गया। अब ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट, इम्प्रॉपर नाम ऐसी चीज है, सुनते ही मुझे हर क्लास के हर क्वेश्चन जो इससे जुड़ा हुआ है वो सारी चीज़ें माइंड में आ गया है। लेकिन हम अपने टॉपिक से नहीं भटकना चाहते हैं तो हम बिल्कुल अपने टॉपिक पे आते हैं। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। देखिए अगर 33 को हम 8 से डिवाइड करें, ओके, डिवाइड का पहला कंडीशन जो है ये वाला नंबर इस जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा होना चाहिए, उसे ये फॉलो कर रहा है। तो हम इसके सबसे जो नज़दीक नंबर है वहाँ तक जाएंगे, 8 4 जा 32। अब ये क्या है बेटा, ये 1 आ गया, ओके, और ये क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। तो अब फिर से ये नंबर इससे छोटा हो गया ना, तो हम आगे के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट देंगे। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था इसे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8 हो जाएगा, ओके। ये इस पॉइंट के लिए यहाँ 0 आ गया, ये 8 1 जा 8 आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ तो 0 से 8 नहीं माइनस हो सकता है, तो उसके लिए हमने 1 से कैरी कर लिया, तो 10 - 8 2 हो गया। अब इसके लिए फिर से यहाँ 0 आ गया। अब 20 को फिर जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम में जाएगा, 8 2 जा 16 हो गया, ओके। अब इसको माइनस करेंगे तो 4 हो गया, और फिर जब यहाँ 0 आ जाएगा तो ये 8 5 जा 40 हो जाएगा, ओके। ये इस तरीके से हमारा कैसा नंबर है, जो डिवाइड करने के बाद
थ्री डिजिट के बाद इसका एंड हो जाता है, रिमाइंडर इज जीरो हो जाता है। तो जब किसी नंबर का डिवाइड करने के बाद एंड हो जाता है तो वैसे नंबर जो है कौन से ग्रुप में रखते हैं हम उसको फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं। फर्स्ट ग्रुप वाले का नाम क्या था? टर्मिनेटिंग। उसका नाम क्या था? टर्मिनेटिंग। ओके, ये हमारा टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं उसको कौन से ग्रुप में रखते हैं बेटा? रैशनल में रखते हैं या इरेशनल में रखते हैं? तो टर्मिनेटिंग वाले नंबर को हम रैशनल नंबर में रखते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 क्वेश्चन जो है वो हमारा 3/13 है ना। ये कैसा फ्रैक्शन है? तो ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर्स जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो अब हम जब इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो पहली चीज़ यहाँ हमें पॉइंट के लिए यहाँ पे जीरो देना पड़ेगा। अब ये कितनी टाइम में टेबल 13 के टेबल में इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू है वो 13 2 26 है। जब ये आ गया ये हमारा 4 आ गया। ओके, तो अब 4 के जो आगे है ये क्या हो जाएगा? जब हम इस यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो ये 40 की जो नियरेस्ट वैल्यू है 13 के लिए क्या हो जाएगा? वो 13 3 39 हो जाएगा। ओके, अब ये क्या हो गया? 1 आ गया। तो ये 0 हो गया। अब यहाँ जब हम 0 देंगे, क्योंकि अभी जो 10 है वो 13 से छोटा है, तो जब यहाँ 0 देंगे तो फिर से हमने एक 0 लगा दिया। अब 13 के टेबल में जो 100 की नियरेस्ट वैल्यू है वो है 13 7 91 है। और जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये 10 1 9 हो जाएगा, और ये हमारा 9 - 9 0 हो जाएगा, और ये तो हमारा 0 है ही। तो अब इसके बाद फिर से हम यहाँ पर एक 0 आ गया हमारा। तो फिर 13 जो होगा 6 - 78 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 13 7 - 91 होता है। तो 13 6 - 78 हो गया। ओके, तो अब फिर जब हम इसको माइनस करते हैं तो 90 - 78 यहाँ देखते हैं तो 10 - 8 क्या हो गया? 2 हो गया। अब ये 8 - 7 क्या हो गया? ये 1 हो गया। ओके, फिर जब हम इसके आगे यहाँ पर हम 0 लगाते हैं तो फिर अब 13 के टेबल में कितने टाइम में 120 आ जाता है? 130 तो ज़्यादा हो गया, तो 13 9 - 117 हो जाएगा। 13 9 - 117 आ गया। ये क्या आ गया? हमारा 3 आ गया। अब इसके बाद आप फिर से देखो, जब आप करोगे तो फिर से यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, है ना। फिर से हम कितने टाइम में हमें लगेगा? ये 2 टाइम में लगेगा। तो यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया, यानी ये नंबर जो है हमारे फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.230769। ओके, ये हमारे रिपीटिंग वैल्यू है। तो ये एक कैसी वैल्यू है? एक ऐसी वैल्यू है जो जिसका जो टर्मिनेटिंग नहीं है, इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ ही साथ क्या है, ये हमारा रिपीटिंग नंबर है। रिपीटिंग कैसे है? 2 3 7 0 7 6 9, मतलब इन डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको हम किस में डाल देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। ओके, ये समझ में आया बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। तो ये हमारा कैसा नंबर है? रैशनल होगा इरेशनल होगा? तो रैशनल हो जाएगा। ओके, अब हम 5th नंबर पे आते हैं। देखिए 5th नंबर को आप एक दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे 2/11 है। ओके, जैसे 2/11 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/11 लिख सकते हैं ना, और 2 × 1/11 लिख सकते हैं। ओके, 2 × 1/11 हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देख लो, 1/11 का अभी हमने इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड की थी ना, क्या वैल्यू आया था? 2 × 0.09, ये रैकनिंग में था। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.18 जो है ये इसका आंसर हो जाता है। ओके, दो तरीके हैं, क्योंकि ये नंबर हमें यहाँ पर मिल गया है इसलिए हमने इस चीज़ का यूज़ कर लिया है, लेकिन अगर आप चाहते तो इसको आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6th पे। देखिए 6th नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा डिवीजन है और सिंपल सा डिवीजन है, है ना। देखिए क्या होता है, जैसे अब आप जब क्वेश्चन आगे बढ़ोगे ना, ये बहुत छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन है और 9th क्लास में वैसे चीजें नहीं है, लेकिन क्वेश्चन छोटे ही मिलेंगे आपको, लेकिन ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीजें जो है वो आपके माइंड में लेकर के चलना पड़ता है।
नहीं तो हम अगर सिंपल वे में हम डिवाइड करते जाएं तो जहां ये पेपर वाले नाइन्थ के बाद तो स्पेशली ये नीड नहीं होती है कि पेपर में आप डिवाइड करने में ही 20-25 मिनट लगा दो। तो थोड़ा बहुत दिमाग हर जगह पे जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन आप कैसे अपना ईजी बनाओ। अब बिल्कुल ये ऐसा नहीं कि आप वैदिक मैथ पढ़ोगे जो ट्रिक लगाओगे, तो ट्रिक ऐसी चीज़ें होती हैं, वैदिक मैथ इट्स वेरी गुड, ये तो हमें बिल्कुल अपने आप को चीज़ों से जोड़ता है, लेकिन क्या होता है कि जो ट्रिक होता है वो सभी जगह एप्लीकेबल नहीं होते हैं, शॉर्टकट सभी जगह एप्लीकेबल नहीं होते हैं। लेकिन सिंप्लीफिकेशन में आपका माइंड का एक्टिवनेस एक ऐसे खास सिंप्लीफाई की ओर जाना चाहिए जहाँ से आप चीज़ों को ज़्यादा आसान तरीके से निकालोगे। जैसे इसको आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी आप देख लो। जैसे अगर आप ये करते हो, जैसे 329/400 है तो माइंड में मेरे आ गया, बस मैं ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या आप लिख सकते हो 329/4×100 लिख सकते हो, ओके। मतलब 1/100 को हम ऐसे अलग कर सकते हैं 329/4, ओके। अब 329 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है हमारे लिए, है ना। तो हम इसको जैसे ही 4 से डिवाइड करते हैं तो डिवीजन में स्टार्ट, 4×8 जा क्या होता है हमारा 32, ये दोनों कैंसिल, ये 9 आ गया। अब 4×2 जा क्या हो जाएगा हमारा 8, ये क्या हो गया 1, फिर हमने यहाँ पॉइंट दिया 0 आया, 4×2 जा ये क्या हो गया हमारा 8 आया, ये फिर आया 2 आया, तो यहाँ हमने 0 दिया। अब इसके बाद ये 4×5 जा क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा आंसर इस तरीके से देखा जाए तो ये हो गया 1/100×82.25। लेकिन एक चीज़, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती है लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना है। तो अब एक चीज़ क्या हो गया, 100 के लिए हमें एक चीज़ पता है ना, जैसे अगर मान लीजिए ये 329/100 है तो इसका आंसर क्या हो सकता है 3.29 हो सकता है ना। हमने क्या सीखा है इसके लिए कि जितने भी डिनोमिनेटर्स में जीरो होते हैं कहीं नहीं यहाँ पॉइंट माना जाता है, वो उतनी बार लेफ्ट साइड जंप कर जाता है ना। ये हमारा किस में जो यूजुअल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमें 8 क्लास वगैरह में भी ये सिखाया जाता है और आगे भी ये चीज़ें हैं जो यूजुअल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उनका यूज़ करते हुए हम ये काम करते हैं। तो अब यहाँ पर भी अगर उस चीज़ का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ये अगर हम इनको, चलिए अब हम पहले अपने टॉपिक पर आते हैं। कोई भी चीज़ हर क्लास से जुड़ी हुई है, उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा दूर तक है, लेकिन अभी हमें हमें अपने टॉपिक के पास ही रहना है। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये पॉइंट कितनी बार जंप कर जाएगा, 2 times जंप करेगा, कहाँ, लेफ्ट साइड में, तो 0.8225, ओके। तो ऐसे नंबर क्या हो जाते हैं पॉइंट के बाद, ये खत्म हो जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। तो बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम नेक्स्ट चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू।